कि बाबा जी की इतनी कृपा है, श्री बालाजी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी महाराज, श्री हनुमान जी की, कि जिस जगह पर मैं पटरी लगाता था आज उस जगह मैंने एक शोरूम बनाया हुआ। अच्छा, तो इससे बड़ा शॉर्टकट में मैंने थोड़ा सा बता दिया कि वहाँ आज मैं उस शोरूम पर, कि मैं बाबा, इतना कृपा महाराज जी की, इतनी कृपा है गुरुदेव, सदगुरुदेव बाबा बालाजी महाराज की, कि मुझे लगता है आज कई बार मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, मेरे बच्चों के लिए मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ। एक बार जोरदार तालियां से हमारे मधुर भागवती के लिए और सब पक्षी गाने उनकी धर्मपत्नी मंत्री भागवती के लिए। राम राम बोलो हनुमान चले आएंगे, 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 जय सियाराम। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, सब संभव है हनुमान जी की कृपा से, कहने की आवश्यकता नहीं है। जो भी उनके भक्त हैं उनसे अगर आप बातचीत कीजिए जिन पर स्वयं हनुमान जी ने कृपा की है, उनका साफ कहना है कि हनुमान जी अगर कृपा कर दें तो रास्ते की सारी कठिनाइयां समाप्त तो हो जाती हैं। ऐसे ही दो भक्तों से हमारी मुलाकात हुई है हनुमान जी की, बाबा नीम करोड़ी जी का आश्रम है और हनुमान जी यहाँ पे विराजमान है। स्वागत है आप दोनों का। जी, आपके शुभ नाम? अमित। अमित जी और आप? अजय सिंह जी। आप भी हनुमान जी के साधक हैं, आप कब से साधना कर रहे हैं? मैं बाबा जी को बड़ी बहुत बहुत कृपा उनकी की पता, मुझे खुद नहीं किन जन्मों से मैं साधक हूँ, उनकी कृपा है जब से हो संभाला बाबा के संभाला तो देखा कि बाबा के चरणों में, बाबा की कृपा दृष्टि है। और सबसे बड़ा मैं एक बहुत बड़ा एग्जांपल आपको बता दूं कि बाबा जी की इतनी कृपा है, श्री बालाजी महाराज, मेहंदीपुर बालाजी महाराज, श्री हनुमान जी की, कि जिस जगह पर मैं पटरी लगाता था आज उस जगह मैंने एक शोरूम बनाया हुआ। अच्छा, तो इससे बड़ा शॉर्टकट में मैंने थोड़ा सा बता दिया कि वहाँ आज मैं उस शोरूम पर, कि मैं बाबा, इतना कृपा महाराज जी की, इतनी कृपा है गुरुदेव, सदगुरुदेव बाबा बालाजी महाराज की, कि मुझे लगता है आज कई बार मैं अपने बच्चों को बताता हूँ, मेरे बच्चों के लिए मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ बाबा के अनुसार, कि बाबा जी की इतनी कृपा, श्री हनुमान जी की, कि पापा आप कहाँ से चले थे आज आपके लिए एक चेयर, वो सब देखता हूँ तो मुझे खुद नहीं, यानी आपने एक तरह से कहा फर्श से अर्श का वो सब बाबा की कृपा किया। हाँ, तो ये भक्ति, भक्ति के मायने वैसे सिर्फ एक यही नहीं है कि मैंने ये मांग लिया या वो, सबसे बड़ी यही कृपा है कि उन्होंने अपने चरणों में जिनको लगाया हुआ है तो उन्हें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। जैसे अभी हमारे मित्र अमित जी ने कहा कि जो मैंने सोचा भी नहीं था, बस ऐसी शर्त रख दी तो उन्होंने घर आकर स्कूटर दे दिया, तो ये सब चीज़ें तो उनके लिए, बाबा जी के लिए तो कोई मायने ही नहीं है, लेकिन उन सबसे बड़ी कृपा की देखिए आज हम उनके सामने खड़े हुए। जी जी जी, इससे बड़ी तो कोई कृपा ही नहीं है, और आज वो मुस्कुरा रहे होंगे कि बाबा की देखो मेरा किस तरह से, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। आज हमें देखिए ये मौका मिल रहा है कि हम बाबा का गुणगान, आज हमें सोयों लोग, हजारों लोग देखेंगे, तो ये बाबा का एक। जी जी जी, अच्छा ये बताएं, आमतौर पे ईश्वर की जो पहली कृपा खासकर गृहस्थों पे होती है, जो सांसारिक लोग हैं जी, उसके जीवन की जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होने लगती है, उसको किसी चीज़ के लिए मुश्किल नहीं आती। आपके आपका भी यही अनुभव है? लेकिन वो मुश्किल नहीं देंगे तो आपको आनंद नहीं मिलेगा। हमारे बाबा महाराज जी, हमारे गुरु सदगुरुदेव महाराज जी कहते थे कि जब दुख, एक लड़की से बाबा जी ने एक सवाल करा था जो मैंने पढ़ा, बाबा जी का एक प्रसंग है, तो हमारे नीव करोड़ी बाबा साक्षात श्री हनुमान जी का, तो बाबा जी ने एक लड़की से एक छोटा सा सवाल करा था कि तुझे दुख पसंद है या सुख, तो उसने कहा था बाबा मुझे तो दुख दुखी पसंद है, दुखी देखा है,
सुख का तो पता ही नहीं मुझे। तो बाबा बोले मुझे भी दुख पसंद है। तो दुख एक सबसे बड़ी ऐसी चीज़ है, जब तक दुख नहीं आएगा तो आप उनके करीब नहीं जाएंगे, और उनका शुक्र करते हैं। सुख मिल जाएगा तो आप कितना से, दुख में जो आनंद मिलता है ना, आप शायद मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं कि आप इतने लोगों का सूझबूझ बाबा के बारे में आप पता कर रहे हैं, तो शायद आपको भी पता होगा जो दुख में आनंद आप करीब जाते हैं ना, वो आनंद ही अलग होता है। यानी तो दुखों के जरिए ईश्वर आपको खुद के करीब लाते हैं, बहुत करीब लाते हैं। तो कई बार हम अभी भी, मैं आज मैं अपने स्टोर को बंद ना करते हुए ऐसा लगा जैसे मुझे यहाँ खींचा गया है। यही मुश्किल से कोई 10 किलोमीटर दूरी पर है। आप मानेंगे नहीं, मेरा स्टोर जो बंद होता है 9:30 बजे हम ऑफ करते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मंगलवार को मैं बहुत ही रेयर आ पाता हूँ मंदिर, लेकिन ऐसा लगा जैसे साक्षात मुझे आया हूँ। मैं आकर देखा तो अब बाबा जी से कृपा, वो दीदी थी वो कहने, लेकिन भेंट वार्ता आपसे होनी थी। बाबा का ये एक कीर्तन, ये कीर्तन ही है या एक भजन कह लीजिए, तो ये वो हो रहा है, ये सत्संग हो रहा है जी जी, है ना, तो ये उनकी कृपा से हो रहा है। आपको मैं थोड़ा सा टाइम और लूँगा, यहाँ आने का मुझे अभी 1 साल हुआ है। मुझे गुरु कैसे दिए बाबा ने, 14 साल बाद मुझे गुरु मिले। 26 जनवरी 2021 को आपको शायद पता होगा, पीछे किसान रैली निकली थी, ट्रैक्टर रैली। तो मैंने कभी 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 नहीं गुरु सोचा था कि गुरु, सिर्फ मुझे, मेरे तो हनुमान जी गुरु, मैं बात भी उनसे ही दुख सुख सब शेयर करता था। यहाँ पर ट्रैक्टर रैली चल रही थी बस अड्डे पे, बस यूट्यूब पे बाबा जी को इन्होंने मुझे किस तरह खींचा, मेरे बाबा ने, श्री हनुमान जी ने, साक्षात श्री हनुमान जी ने, कि यूट्यूब पर उनको देख, ऐसे देखते 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 तो मन करा चलो यार वो कहाँ है मंदिर यहाँ दिल्ली में, बेला रोड पर, ISBT पर, यहाँ हम ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर पर तलवारें ली हुई हैं लोगों ने सब, लेकिन मुझे और मेरी वाइफ को कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ हम वो रास्ता सर्च कर रहे हैं गाड़ी में। और आप बिलीव करेंगे, उतने उस रास्ते में हम ढूंढते ढूंढते बस ऐसे लेकर आ रहे हैं जैसे बाबा खुद खींच रहे हैं। बाहर रोड पर आए हम, बाहर हमें गेट दिखा, गेट बंद था, मैंने ऐसे बाबा जी को देखा, बाबा नीप करोड़ी महाराज जी को, साक्षात श्री हनुमान जी को, मैंने आपके यहाँ, मैं मंगलवार का दिन था वो, मुझे आज भी याद है, मैंने ऐसे देखकर बोला, मैंने बाबा जी आपका दरबार, आप पहली बार आए हो तो यहाँ तो ताला लगा हुआ है, बंद है। उसी समय क्षण भर, कुछ भी समय नहीं लगा होगा, तो पंडित जी आ गए थे, हमारे साक्षात गुरु हैं ये भी, गोपाल शास्त्री जी, हाँ स्वामी जी, तो आए वो, कह रहे आप कहाँ से, मुझसे ये सब पूछा, तो ये लगा लीजिए उन्होंने हमारे लिए दरवाजा। और आते ही यहाँ मैं जब सीढ़ी पे चढ़ूँ, मेरी आंखों से अश्रु की गंगा, आंसू बहने लगे थे, मुझे खुद नहीं पता क्यों, मैं आ गया था, मेरी वाइफ पीछे थी, मैं खुद रो रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ ना, मुझे तो पता नहीं है मेरी पत्नी का। जब हम अंदर आए तो देखो तो मेरी वाइफ के भी वही कंडीशन जो मेरी थी। तो ये उनकी कृपा है, ये बड़ा प्यार करते हैं अपने बच्चों से। हम सब किन जन्मों से जुड़े हुए हैं हमें नहीं पता, मैं कह दूं कि मैं, क्योंकि जन्मों के होते हैं रिश्ते, पता नहीं किन जन्मों से हम बाबा के भक्त हैं, किन जन्मों से हम बाबा के चरणों में। हम चाहेंगे कि एक मैसेज उन लाखों भक्तों को जी, जी जो आपको भारत और भारत के बाहर भी विदेशों में लोग सुन रहे हैं जी, ऐसे लोगों को जो जिनके जीवन में संकट है और संकट मोचन के दरबार में आते हैं, और उनके वो हम चाहेंगे कुछ संबल, कुछ विश्वास आपके शब्दों से मिले हुए। आप अगर आप लोग सुन रहे हैं या आगे मुझे सुनेंगे, मैं आपसे सिर्फ, मेरी लाइफ ऐसी थी कि बहुत बुरी स्थिति से निकला हुआ हूँ, आज वो मैं इंसान खड़ा हूँ, और मेरे प्रभु ने, मेरे श्री हनुमान जी ने, आप पर किसी प्रकार का संकट है, आप पर नेगेटिविटी है या कोई किसी भी प्रकार का आप पर संकट, बाबा से बड़ी कोई पावर नहीं है श्री हनुमान जी से, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ, सरेंडर कर दीजिए, अपना समर्पण कर दीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, बाबा जी के मंदिर के, बाबा जी के सामने खड़ा होकर आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, आप पर मतलब किसी प्रकार का दुख क्षण भर रह सकता है, परंतु आप पर वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मुझ पर नेगेटिविटी का भी बहुत असर था आज से कम 15 साल पहले। मैं वही पर्सन बोल रहा हूँ जो कि मैं बहुत फ्री माइंड पर्सन था, कि कभी ये चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, मैं उस दौर से भी निकला हुआ हूँ, तो बहुत लंबी वो है, लेकिन मैं आपको कहूँगा सिर्फ बाबा को सरेंडर कर दो, सिर्फ बाबा के चरणों में, श्री हनुमान जी, श्री बालाजी के चरणों में, बाबा सदगुरु महाराज, बाबा नीप करोड़ महाराज, सरेंडर कर दीजिए अपने आप, आपको रास्ते सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। आसान है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कृपा करके मैं आपसे जय श्री राम कहूँगा, और सिर्फ बाबा को सिमरन कीजिए, आपके सारे संकट कटे।
तुम रक्षक काहूं को डरना। अरे बाबा से बड़ा कोई नहीं सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में बाबा से बड़ा कोई रक्षक नहीं है। बस इससे बड़े शब्द नहीं, सिर्फ और सिर्फ जय ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। जय सिया राम।